क्या क्या सामान पक रहा है, दिखा था भाई तेरा, ये देख ओमफेड ओमफेड नडियाल। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस के। गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जा रहे हैं महाकाल मंदिर का ब्लॉग्स बनाने, जो अपने शिवरात्रि का दिन में जाने का प्रोग्राम बनाए थे, पर उस दिन हम लोग जा नहीं पाए, कहीं टाइम नहीं मिला, इधर से उधर हो गए, तो वो लोग को टाइम ही नहीं मिला। इसलिए वो भाई जो बोल रहे थे हम लोग शिवरात्रि में घूमेंगे, आज वो दिन है हम लोग का शिवरात्रि का। तो फाइनली दोस्त, तो इतना टाइम के बाद हम आज जा रहे हैं महाकाल मंदिर, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चीज आपको भी पता है, हर ब्लॉग में आप देखते हो कि हम लोग का ब्लॉग कैसा हट के होता है और इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन क्या करें, लेट में आते हैं लेकिन भाई हट के लाते हैं। पहली बात, इसीलिए हम जा रहे हैं, हमारा पसंदी रेडी है, तेल उल सब डरवा के फ्यूल करवा के जा रहे हैं हम सीधा महाकाल मंदिर। हमारे साथ कुछ कुछ दोस्त लोग हैं जो निकल चुके हैं आगे, लेकिन हम जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े से इंजॉयमेंट होके जाते हैं भाई, रास्ते का मजा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हमारे साथ, आप भी इंजॉय कीजिए। भाई अभी हम लोग इको पार्क एयरपोर्ट का पीछे का रास्ता से हम लोग बागड़ी जा रहे हैं, जो महाकाल मंदिर है। आपको देखे ही होंगे अभी जैसे गया है एरोप्लेन, यहाँ जब भी आने से कभी कभार मौका मिलने से इस टाइप का मिल जाता है। गजब का सीन लग रहा था, ये एरोप्लेन जस्ट पर सामने से मुंडी का ऊपर से जब जा रहा था। ये रहा महान पुरुष, ये है महाकाल का परम भक्त, ये जा रहे महाकाल का पूजा करने। भाई क्या क्या सामान पक रहा है, दिखा था भाई तेरा, ये देख ओमफेड ओमफेड नडियाल फूल दीप दीप और टू क्या प्रसाद में भोग खाएंगे वो खाली गेवे का ना। अभी जाऊंगा नडल फोड़ूंगा, फिर जाके नडल फोड़ने के बाद वही नडियल को मैं बाद में खाऊंगा। अभी मैं भूख भयानक लग रहा है भाई, मैं इसलिए खरीदा हूँ भाई, 45 रुपीस ले लिया, लूट लिया। जय महाकाल, जय महाकाल। ये है अपना काली भाई, ये अपना समीर भाई पूजा कर रहा है, मैं भी तो बैठ जाता हूँ। बम बम बोले,
टीका उका लगा के भाई हम चुके हैं पूरा असली भक्त। देख रहे हो टीका कौन सा लेवल का टीका है। तो अभी हम लोग ये मंदिर का ऊपर में है। अच्छा वैसे अब लोग मैं मंदिर का मतलब आपको दिखाया नहीं हूँ ना कैसे किस टाइप का मंदिर है। तो चलो किस बात को वेट कर रहे हो आप लोग, चलो एंजॉय करो, दिखाता हूँ आपको पूरा मंदिर। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदि देव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरी नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभू। भाई देख रहे हो नेडल मैं खरीदा लेकिन खुद खा कौन रहा है, देखिए देख रहे हो कैसे चबा रहा है। ले खा ले गाली मत दे पर। हाँ तो भाई अभी हम लोग महाकाल मंदिर से घूम के आ गए हैं, यही रास्ता में पड़ता है अपना इको पार्क। अभी वही अपने इको पार्क घूमने अभी जा रहे हैं। अभी ये रहा इको पार्क का गेट, अभी हम लोग इको पार्क में एंट्री करेंगे। ये झारसुगड़ा इको पार्क है। तो जैसा अभी मेरा मनीष भाई ने बता दिया है कि हम महाकाल मंदिर से आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं इको पार्क। लेकिन अभी इसका सिचुएशन क्या है ना, हमको भी पता नहीं कि शायद इतना सुनने को है कि यहाँ पे फीस वीस लेते हैं, तो पता करते हैं अंदर जाके कि जाने देते हैं कि नहीं या फीस वीस क्या लेते हैं। तो ठीक है चलते हैं देखते हैं क्या होता है, आपको तो बाद में पता है चल ही जाएगा और हमको भी। तो हम लोग को इको पार्क अंदर आने का परमिशन मिल गया लेकिन फीस लगा। जो व्हीकल्स चार्ज है वो 10 रुपीस और एक पर्सन का 10 रुपीस, मतलब हम दोनों का 20 रुपया लगा। पार्किंग का 10 रुपया। हम लोग तो सोच रहे थे गाड़ी बाहर में लगा के आ जाते, पता नहीं हम लोग गलती कर ली, हम लोग अंदर ला दिया ना, 10 रुपया बच जाता है। हम लोग से दिमाग लो यार इंसान, सच बात बोलते चाय दो ठुआ जाता, टपरी वाला चाय। तो यही आए हैं देखते हैं यहाँ पे। तो टुरू लव वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है बहुत कुछ, लेकिन हम लोग का कुछ टुरू लव नहीं है। हम लोग टुरू ब्लॉगर हैं ना, यहाँ पे टुरू लवर लोग आके घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन बहुत टुरू लवर लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यार। आजकल मार्केट डाउन है ना कोरोना टाइम। अच्छा, चेकिंग ज्यादा हो रहा है ना इधर, इसीलिए। तो देखते हैं इधर, हमें सुना था कि यहाँ पे जो स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह खुला है बोल के, देखते हैं कि क्या है सच्ची में खुला है या झूठ बोल रहे हैं कि क्या पता, अगर खुला रहेगा तो अच्छी बात है। हाँ तो भाइयों इको पार्क आ गए, घूम रहे मजे कर रहे। तो एक बात बोल रहा हूँ, इको पार्क बोले तो अपना रोमांटिक जगह हो गया, घूम रहे मजा भी आ रहा है पर जो हिसाब से मजा आना चाहिए वो मजा नहीं आ रहा। तो इको पार्क जब भी अपना गर्लफ्रेंड को ही लेके आओगे ना तो यहाँ बोर हो जाओगे पूरा। क्यों तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या भाई? मैं अभी तक सिंगल हूँ। किस खुशी में? सबका तो अपना अपना चॉइस रहता है। तुम तो लिए भाई सब कुछ तो कर लिए लेकिन क्या करें, अब सुनसान इलाका, हम दोनों मोटा और मैं मसौरी मतलब मनीष और मैं गलत ले सोचोगे भाई। जा रहे अभी घर सीधा, अब कुछ है ही नहीं। जो तेरा उसे इज्जत बढ़ता होगा। ले 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 तू चल रन दे, मौसम मत बना अभी तू। तो चलते हैं अभी सीधा घर, होगा तो ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तो मनीष ब्लॉग एंड करने के लिए कुछ बोलेगा? मैं बस ये बोलना चाह रहा था भाइयों, ऐसे तो बहुत दिन बाद निकलते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जब तक आप नहीं करोगे तब तक हम लोग का उत्साहित बढ़ेगा नहीं। ये सब करने से हम लोग को मन करता है, कमेंट करने से आप मन करता है जो अपने को,
तो भाइयों लोग के लिए और ब्लॉग्स बनाए, और कहीं कहीं दूर दूर जगह जाके ब्लॉग्स बनाने का मन करता है। तो भाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर, एंड ऑल्सो कॉमेंट मारना ना भूले। थैंक यू। तो भाई देखो भाई, आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट बनाता है, पहली बात। और जैसे वीडियो में आप प्यार दिखाते हो भाई, कसम से कतई जहर वाला आप प्यार दिखाते हो। इतना अच्छा लाइक्स कमेंट्स करते हो, नेगेटिव तो कुछ आता नहीं अभी तक। और बस ऐसे ही आप लोग प्यार देते जाओ और हम आगे ऐसे वीडियो अच्छा अच्छा बनाते जाएंगे। चलो ठीक है, लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, दबा के लाइक मारिए। वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदि देव शंकरा, हे शिवाय शंकरा।